Hi guys, welcome back to our channel. This is Shiv and you're watching Marine Life with Shiv. आज का टॉपिक है गाइस फॉक्स फिश फिश जिसको हम रैबिट फिश भी कहते हैं. इसके बारे में आज चलेंगे और जानेंगे फैक्ट्स. अगर जो आपको आपके टैंक में फॉक्स फिश फिश को इंट्रोड्यूस करना है तो आपको क्या क्या चीज का ध्यान रखना है और वो कहां से मिलती है और किस तरीके से आपके टैंक में उसको केयर करना है. तो गाइस फॉक्स फिश फिश जो है ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है. राइट गाइस, ये फिश को जब पकड़ते हैं तो वो टाइम पे जब फिशरमैन इसको पकड़ते हैं तो वो टाइम पे कभी ना कभी उनके हाथों में उसका डंक लग जाता है. जो आप फॉक्स फिश फिश के ऊपर साइड में स्टिंग्स देख रहे हैं इसके ऊपर के स्टिंग वेनमस रहते हैं. राइट गाइस, अगर जो आपको स्टिंग लग जाता है तो आप बीमार हो सकते हैं, यहां तक कि आप आईसीयू में भी जा सकते हैं. सो कभी भी आप इसको विदाउट नेट मत पकड़िएगा. फॉक्स फिश का साइज मिनिमम 7 इंच मैक्सिमम 9 इंच होता है गाइस, यानी कि जब आप उसको लेके आते हो 2 इंच 3 इंच बाद में वो आपके टैंक के एनवायरनमेंट के हिसाब से, अगर जो आप उसको अच्छा एनवायरनमेंट देते हो तो वो 7 इंच से 9 इंच तक बढ़ सकती है. आप अगर जो अपने टैंक में इसको लेके आना चाहते हो तो मिनिमम साइज गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा 2.5 से 3 इंच का लेके आइएगा. ज्यादा छोटी फॉक्स फिश मत लाइएगा सो दैट आपको उसकी ज्यादा केयर करनी पड़ेगी. नॉर्मली आपको इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये बहुत हार्डी फिश है और आपके टैंक में आप इसको अच्छी तरीके से रख सकते हो. क्या ये फिश रीफ सेफ है? तो गाइस मैं आपको बोलूंगा 50-50. यस, क्रैक जैक की तरह नहीं, 50-50. इसलिए क्योंकि आपकी जो फॉक्स फिश है वो सडन टाइम के बाद साइज में बड़ी हो जाती है, उसको बहुत भूख लगती है तो वो टाइम पे वो आपके कोरल्स को, जोयास को, एलपीएस कोरल्स को प्रिक करती है और खाने की कोशिश करती है. क्योंकि उसको आप अधिक मात्रा में खाना नहीं दोगे तो वो कोरल्स को खा के अपना पेट भरेगी. ये हर्बीवोरस फिश है गाइस, ये माइसी श्रिम्स एल्गे फ्लैक्स खा के अपना पेट भरती है. इसका सबसे इंटरेस्टिंग फूड जो है वो है एल्गे. यस, आपके टैंक में एल्गे ग्रो होने नहीं देती है, जहां इसको एल्गे दिखता है ये उसको खाती रहती है. तो अगर जो आप बिगनर हो अपने टैंक के लिए, आप अगर जो कोई फिश डिसाइड कर रहे हो तो फॉक्स फिश फिश एक अच्छी फिश होगी सो दैट आपके टैंक में एल्गे ग्रोथ को कंट्रोल रखे. ये बहुत शर्मिली मच्छी होती है गाइस, तो ज्यादातर आप इसको देखेंगे तो वो छुप के रहेगी हमेशा, ये चीज का आप ध्यान रखिएगा. शाई होती है, थोड़े टाइम के बाद वो कंफर्ट फील करती है तब जाके वो अच्छी तरीके से घूमती है. आपके टैंक का साइज कम से कम 4 फीट होना चाहिए अगर जो आपको इसको रखना है तो, क्योंकि सर्टन टाइम के बाद इसका साइज बढ़ता है तो वो हिसाब से आपका टैंक का साइज 4 फीट होना चाहिए. आप छोटे टैंक में इसको ना रखिए, बड़े टैंक में रखेंगे तो आप भी खुश रहेंगे कि हमने अच्छी जगह दी है हमारी फिश को और फिश भी अच्छी तरीके से अपना टाइम स्पेंड करेगी. नॉर्मली आप इसको ब्रेन शिम्स माइसी शिम्स देते हैं इस तरीके से, जैसे कि हम लाइव फीड दे रहे हैं. ये देखिए लाइव फीड, ये बहुत पसंदीदा तरीके से खाती है, बहुत खुश होके खाती है. जैसे हमने ब्रेन शिम्स डाला हमारे टैंक में तो देखिए फटाफट हमारे पास सेल्फिन टैंक भी है और फॉक्सफिश और बाकी एक इसके अंदर जो है रैबिट फिश जो कि फॉक्सफिश. अभी वो घबराई हुई है, डरी हुई है, अभी देखिए थोड़ी देर में आएगी. ये देखिए वाई एंड शी विल स्टार्ट हैविंग माइसी श्रिम्स. तो इस तरीके से वो अपना खाना मन पसंदीदा तरीके से खाती है. स्पेशली वो एल्गे खाती है, अभी फिलहाल एल्गे नहीं है टैंक के अंदर तो ब्रेन श्रिम्स हम फीड कर रहे हैं जो कि वो खा रही है. ये देखिए इस तरीके से वो मन पसंदीदा तरीके से एल्गे को खाती है और माइसी श्रिम्स को खाती है. सो अगर जो आप फ्यूचर में डिसाइड करते हैं फॉक्स फिश फिश को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने टैंक में, तो गाइस आप अपने टैंक में फिश को इंट्रोड्यूस करने के पहले उसको अच्छी तरह क्वारंटाइन कीजिए, उसको अच्छी तरीके से केयर कीजिए, तब अपने मेन डिस्प्ले टैंक में आप इसको इंट्रोड्यूस कीजिएगा. इसको हमने हमारे टैंक में डालने के पहले हमारे रिफ्यूजियम, हमारा जो सम्प है फिल्ट्रेशन सिस्टम, उसमें हमने इसको क्वारंटाइन किया. अगर जो आप भी जानना चाहते हैं कि मेन डिस्प्ले टैंक में डालने के पहले इसको हम कैसे क्वारंटाइन कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं. और अपनी कोई भी फिश को अपने मेन डिस्प्ले टैंक में डालने के पहले
आप उसको अच्छे तरीके से क्वारंटाइन कर सकते हैं, सो दैट आपकी फिश को कोई भी डिसीज हो, कोई भी बीमारी हो, तो आप उसको नीचे ही क्योर करें और उसके बाद अपने मेन डिस्प्ले टैंक में इंट्रोड्यूस करें। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको बताना था। फॉक्स फेस जिसको कि हम रैबिट फिश भी बोलते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हमने हमारे टैंक में न्यू फिश इंट्रोड्यूस की है। राइट गाइज, आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमने हमारे टैंक में कौन सी फिश इंट्रोड्यूस की है। आफ्टर टू डेज यू आर गोइंग टू गेट द नेक्स्ट वीडियो गाइज। तब तक के लिए चलते हैं और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आप अगर जो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए बाय, हैव ए हैप्पी मरीन लाइफ।